जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में फिर से हम एक बोया माइक के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बोया माइक खरीदने के बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो तो आती है हमारे डिफॉल्ट कैमरा के साथ में, जो काम नहीं करता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, जो कि जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम आती है कि उसमें वॉइस नहीं आने के कारण अपने को लगने लगता है कि हमें डुप्लीकेट माइक चिपका दिया है सेलर ने। तो भाई इसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी आपको, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट माइक की पहचान कैसे करते हैं। तो इसके दो तीन तरीके हैं वैसे तो, लेकिन बाकी के तरीके इतने कारगर नहीं है। जो तरीका मैं बताने वाला हूँ, मैं सिर्फ एक ही तरीका बताऊंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि बोया का माइक ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी मेल ओपन कर लेनी है। तो ऊपर तो आपकी मेल शो हो ही जाएगी। यहाँ पे टू में आपको मेल लिखनी है, वो मेल है support@boyamic.com। तो इसके बाद में आपको कुछ नहीं लिखना, नीचे आके आपको लिखना है सिक्योरिटी कोड, और जो आपका सिक्योरिटी कोड आपके बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद मेल आपको सेंड कर देनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बोया का रिप्लाई आ चुका है। तो यहाँ पे बोया ने लिखा है कि आई वेरीफाइड एंड कन्फर्म द प्रोडक्ट इज ओरिजिनल। तो यहाँ पे हमारा बोया का माइक ओरिजिनल है, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका, एक इंस्टेंट अभी मेरे को याद आया वो और बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे एक साइड में देखो, एक पट्टी है जिसमें मल्टी कलर दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे बोया लिखा दिखेगा आपको। तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद ये बोया लिखा हुआ है जो गायब हो जाएगा। तो अभी इसको हम करके देखते हैं। अभी तो ये मैंने थोड़ा सा पानी लगा लिया उंगली के ऊपर, और इसको यहाँ पे आपको रब करना है ऐसे। तो देखो यहाँ से बोया गायब हो चुका है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा। अगर ये होता है तो ओरिजिनल बोया माइक है आपका। तो भाई वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और आपके भाई का नया चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।